एना जीपीएस मुझे लगता है शादी का गिफ्ट दे देते हैं मिश्का को, बाद में शादी में वो भी बिजी हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा वसु, तुम ऐसा करो अभी जाके दे दो। हाँ सरी। अम्मा मैं देकर आता हूँ ना मिश्का को। अयो वेंडा करना, तू बैठना अपने अप्पा के पास, मैं दे आती हूँ। हाँ नहीं नहीं अम्मा, अम्मा मुझे गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज मैं देकर आता हूँ ना मिश्का को, प्लीज। वसु ये नहीं मानेगा, इसे ही जाना। सरी अभी भी बचपना है इसमें, ध्यान से देना। हाँ थैंक यू। यस अब मिल गया मुझे परफेक्ट मौका, अब मिलूंगा मिश्का से और करूंगा अपना आखिरी सबसे बड़ा वार। कम इन। अरे रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? कम ऑन तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। आई नो, तुम रेडी हो जाओ, मैं खुद तुम्हें मंडप में लेके जाऊंगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ रुद्र, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? कुछ गलत होने वाला है क्या मेरे साथ? यू मीन सीरियसली? क्या 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 तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि कोई है जो मेरी शादी बर्बाद करना चाहता है? ओह माय गॉड रुद्र प्लीज बोलो ना। मैं मुझे हाँ मिश्का, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें हार्म करना चाहता है, कोई है जो ये शादी खराब करना चाहता है, जो नहीं चाहता ये शादी अच्छे से हो। कौन है, कौन है वो? वही जिसने मेहंदी में तुम्हारा लहंगा बर्बाद किया था और संगीत में तुम्हारी सैंडल का हील तोड़ दिया। मतलब तुम जानते हो वो कौन है? हाँ मिश्का मैं जानता हूँ वो कौन है, पर अभी तुम्हें बता नहीं सकता। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो वेंकी है तो तुम हाइपर हो जाओगी और जाके प्रीशा को सब कुछ बोल दोगी और फिर शादी तो खराब हो ही जाएगी, साथ में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रुद्र रुद्र बोलो ना, तुम जानते हो वो कौन है? नहीं मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है और यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम क्या नहीं अकेला छोड़ोगे, इनफैक्ट मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है रुद्र, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ के कहीं मत जाना। ओके इतनी टेंशन हो रही है कि मेरा गला सूख रहा है। रुद्र प्लीज पानी दे सकते हो, मेरे हाथ नेल पेंट की वजह से गीले हैं। श्योर थैंक्स थैंक्स। दुल्हन बनने वाली हो ना तुम, बन जाओ पूरे दिल से, पर सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि शादी तो मैं होने नहीं दूंगा तुम्हारी। रुद्र यहां, ये यहां क्या कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब जूस में कुछ मिला हुआ नहीं है। क्या हुआ रुद्र? कुछ नहीं। यार रुद्र बहुत डरा रहे हो तुम मुझे। इसका मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारा डर दूर कर रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स, अभी बस अपनी शादी के बारे में सोचो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा तुम, जब तक तुम्हारी शादी अच्छे से नहीं होती तब तक। ओके हाय, तुम रेडी हो जाओ, मैं यही हूँ बाहर। हाँ प्लीज रुद्र तुम प्लीज अकेला मत छोड़ना मुझे, बाहर ही रुकना। श्योर। नहीं नहीं नहीं, अगर ये रुद्र हमेशा मिश्का के साथ रहेगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? नहीं, मुझे किसी ना किसी तरीके से रुद्रा को मिश्का से दूर करना होगा, पर कैसे? रुद्र रुद्र अच्छा हो तुम मिल गए। क्या हुआ प्रशा, तुम इतनी परेशान क्यों? सारांश कहाँ है, उसे देखा तुमने? नहीं क्या हुआ? सारांश कहीं मिल नहीं रहा है। सारांश नहीं मिल रहा, ऐसे कहाँ जा सकता है, यही कहीं घर में होगा। तुमने अच्छे से चेक किया? विधि के साथ देखा, हो सकता है उसके साथ खेल रहा हो। रुद्र मैंने हर जगह देखा, पूरे घर में देख लिया, वो नहीं है कहीं पर। तुम चलो ढूंढो उसे मेरे साथ। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, रुको पहले मैं मिश्का को बोल के आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। मिश्का? हाँ रुद्र दरवाजा खुला है, आ जाओ। सुनो तुम अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो बोला था तुम मेरे साथ रहोगे यहीं पे। हाँ यार लेकिन वो एक अर्जेंट काम आ गया। क्या कैसा काम? बता नहीं सकता,
तुम परेशान हो जाओगी और शादी एंजॉय नहीं करोगे। है एक अर्जेंट काम, तुम बस एक बात याद रखो, मैं जाऊंगा तो दरवाजा बंद कर देना, पूरा लॉक कर देना, ठीक है? मेरे अलावा किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना, ओके? लॉक कर दो। जल्दी आना। आओ बंद करो। से कहाँ चला गया सारांश? घर पे भी नहीं मिला, सबने देखा, कहाँ जा सकता है वो? बाहर कहाँ चला गया बिना बताए? हाँ, किसी ने कुछ बोला ही नहीं और किसी ने बाहर जाते हुए देखा भी तो नहीं उसे। ऐसे कहाँ जा सकता है वो? मुझे पता है सारांश कहाँ है। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने गई थी, उसे पता चल सकता था सारांश कहाँ गया। तो कुछ पता चला माँ? हाँ, फुटेज के हिसाब से ये देखो। सारांश घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अरे हाँ देखो, ये से घर के बाहर क्यों चला गया बिना बताए? पता नहीं, अभी चलकर देखो उसे, जल्दी जल्दी चलो। वेंकटेश्वरा मेरे बच्चे की रक्षा कर। मिश्का, मिश्का, वेंकी, क्या क्या हुआ? दरवाजा खोलो मिश्का, जल्दी दरवाजा खोलो, तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन क्यों? पहले पूरी बात बताओ। अरे तुम दरवाजा तो खोलो, फिर बताता हूँ ना, बहुत जरूरी बात है। I'm sorry वेंकी, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं सिर्फ रुद्र के लिए दरवाजा खोलूंगी। इसका मुझे रुद्र नहीं तो भेजा है, वो सारांश के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तुम खोलो मैं बताता हूँ तुम्हें। रुद्र ने भेजा है सारांश, देखती हूँ क्या बात है। क्या हुआ मिश्का? वो सारांश नहीं मिल रहा है, रुद्रा ने मुझे बोला है कि तुम्हारे रूम में जाके एक बार चेक कर ले, कहीं यहाँ पर आया हो सारांश। हाँ, सारांश यहाँ क्यों आएगा? और अगर बाय चांस सारांश यहाँ आता भी तो मुझे पता लगता ना, मैंने सारांश को नहीं देखा। मिश्का, मिश्का, हो सकता है जब तुम तैयार हो रही हो तो तुमने ध्यान नहीं दिया और सारांश छुपके से चला गया हो अंदर। और हाँ, रुद्रा ने मुझे ये भी बोला था कि तुम बाथरूम में जरूर चेक कर लेना। बाथरूम में? हाँ मिश्का, बच्चा है ना तो चला गया होगा खेल खेल में, तुम ऐसा करो ना, तू भी जाके चेक कर लो प्लीज। ठीक ठीक। सारांश तो अंदर ने ये क्या कर रहे हो तुम? डोर क्यों लॉक किया? दरवाजा इसलिए लॉक करते हैं बेबी, ताकि कोई अंदर से बाहर ना जा सके, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सके। इट्स सो सिंपल बेबी। मतलब सारांश, तुमने वो सीरियसली ले लिया? वो तो मैं मजाक कर रहा था, वो तो मेरा झूठ था, क्योंकि मैं अंदर आना चाहता था और मैं आ गया।